हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरिता जोशी ब्लॉग में। सो आज बड़े दिनों के बाद मैं ऐसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी चैनल पर। वो एक्चुअली बीच में कुछ बुखार बुखार आ गया था, तबीयत थोड़ा डाउन से चल रही थी, मन नहीं कर रहा था वीडियोज़ बनाने का, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं करी। आज बड़े दिनों बाद मैं थोड़ा फ्रेश मूड से आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की, सुबह के मंदिर से ही देखो, मंदिर में पूजा करने के लिए आई हुई हूँ और बर्तन वगैरह मैंने सब धो दिए हैं, तो पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको। सुबह जी, कल सत्यनारायण व्रत का था, मतलब कल पूर्णिमा का व्रत था, तो उसका ये सामग्री ये भी उठानी है मुझे। बाकी यहाँ मैंने बर्तन धो दिए हैं, ये देखिए मंदिर के बर्तन बिल्कुल धुल चुके हैं, और यहाँ पर फूल ले आए हैं हम पूजा करने के लिए, तो पूजा करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे होगी मेरी नाश्ता बनाने की तैयारी, तो मैं अभी हॉट केस में ये पेपर बिछा रही हूँ ताकि जो रोटियाँ हैं वो गीली ना हो जाएं। और यहाँ पे उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए गई हूँ छत में। कपड़े सुखा दिए हैं, आप लोग देख रहे हो, कपड़े सुखाने के बाद धूप अच्छी आई है, तो आप लोग देखिए फिर आगे का व्लॉग। दोस्तों, छत में आई हुई हूँ अभी, और आज थोड़ी सी हल्की धूप है पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हो, कपड़े सुखाने डाल दिए हैं, और नाश्ता पानी सब हो गया है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन और नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, मतलब सुबह का जो काम होता है। और अभी बज रहे हैं 10, तो अभी हम चलते हैं नीचे, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको, लंच टाइम होगा जब फिर मिलूँगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गंदगी हो रखी है सीढ़ियों में, एक्चुअली शिवांश की मम्मी है नहीं आजकल, अपने गाँव में हुई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा झाड़ू मार देती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ एक कॉर्नर साफ़ करना है, इसको साफ़ करते हैं पहले। ये जो अस्त व्यस्त होकर है ना, ये चादर वाले उनको सेटिंग से रखते हैं जगह पे। थोड़ा साफ लग रहा है, ये सीढ़ियों का कलर ही ऐसा है, इस पर मत जाना। आगे यहाँ पे जो गंदगी हो रखी थी मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से। कौन आ गया? ये देखो दोस्तों, मेरा बेबी यहाँ आ गया मुझसे मिलने, नीचे था नहीं, मैंने इसको ऐसे ऐसे हाथ इसको प्यार करके आई, तो ऊपर आ गया बेचारा। आ जा, ये देखो, इसको मैंने नीचे से ऐसे प्यार किया ना, छत में आई, मैं अपना भी ऊपर ही आ गया। ये देखो, हाई कर दो बेबी, हाई कर दो सबको, सबको हाई कर दो, हाय हाय। इधर को आओ, इधर आओ, चल आ जा, आ जा मेरे, आ जा, गर्मी हो रही है यहाँ, नीचे चलो। गाइस, 12 बज चुके हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए, दिन का टाइम है, और आज ओ शिट, यहाँ पे दाल भिगा के रखी हुई है, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में पानी गिर गया हल्का सा नीचे, कोई बात नहीं, सूख जाएगा, गर्मी का टाइम है, इट्स ओके। तो यहाँ पे दाल भिगा के रख रखी है मम्मी ने, उसको बनाएंगे, ठीक है, दाल भात बना रहे हैं आज। 12 भी बजे नहीं है, 5 मिनट अभी है, तो खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2 बजे की ड्यूटी है, तो फटाफट खाना तैयार करते हैं, वैसे भी मेरा टाइम यही है 12 बजे का, आप लोगों को पता ही है, तो फटाफट खाना बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने प्रिपरेशन कर ली है, मैंने प्याज टमाटर काट लिया है, और पिसा हुआ यहाँ पे मसाला भी है, मम्मी ने पिसा था जो कल परसों, मतलब कल या परसों पिसा था, हाँ, वो सब्जी बनाने के लिए, तो ये थोड़ा बच गया था, ये है, ये देखिए, ये है घर का पिसा हुआ मसाला सिलबट्टे में, इसमें है लहसुन मिर्ची और प्याज, और सारे मसाले इसमें ऐड हैं, तो ये भी डालूंगी दाल में। यहाँ पे प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ कट के रखा है, यहाँ पे मैंने मिर्ची भी काट दी थोड़ी सी, ये है दाल, तो चलिए दाल बनाते हैं अब।
सुबह लंच बन चुका है। आज दाल भात बना रखा है, वो भी चने डाल के। इस दाल का टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। चटनी है, साथ में कद्दू की सब्जी है, और साथ में जो है आप देख रहे हो ये कद्दू की सब्जी थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आज कद्दू की झोली बना के ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने ट्राई करी थी सिर्फ, इसलिए आपको थोड़ी सी दिख रही होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर अच्छी नहीं बनी तो कोई नहीं खा पाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए ये बनाई, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और ठीक हो रही थी, अच्छी हो रही थी खाने में। बाकी ये कपड़े उठा के मैं ले आई हूँ अब छत में से। उसके बाद फिर हाथों हाथ इनको मैंने सोचा तय भी कर देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ऐसे रह जाते हैं और फिर मन भी नहीं करता काम करने का। खाना खाने के बाद रेस्ट कर लो एक बार तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं पहले ही कपड़े तय कर लेती हूँ, ज़्यादातर जहाँ तक हो सके यहाँ पर तय कर रही हूँ कपड़े, और उसके बाद फिर आराम करेंगे। और साथ ही साथ सब्जी की तैयारी भी कर ली है। तो आज करेला, भरवा करेला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करेला काट के रख दिया है, उसके अंदर का जो बीज है उसको निकाल लिया है, और इसमें नमक और हल्दी मिला के रख दूँगी ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। बाकी जो सॉफ्ट बीज है उसको डाल देंगे सब्जी में, और जो कड़क हो गए हैं उनको फेंक दिया था। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रात के लिए, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है आज करेला, भरवा करेला बनाना। तो जिस हिसाब से मैंने पहली बार बनाया तो काफ़ी अच्छा बना था, टेस्टी हुआ था। तो यहाँ मैंने प्याज लहसुन निकाल के रख दिया है, मैं इनको भी छील के रख देती हूँ, रात की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। दोस्तों 7 बज चुके हैं, मैं हूँ अभी अपनी छत में, और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। अभी तक तो नहीं चल रही थी, बस अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है हवा चलना। पीछे आप मेरे पीछे अगर आवाज़ आ रही होगी तो आप सुन सकते हो, बहुत धूल उड़ रही है, आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं पीछे से आप देखो, वो देखो। लेकिन यह है कि बारिश का तो नामो निशान लग नहीं रहा, मुझे बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला लग रहा है। पहले शुरुआत ऐसी होती है हल्की हल्की, लेकिन बाद में बहुत तेज़ तूफ़ान। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत धूल हो रही है, दिखाओ आपको। ये देखो दोस्तों, ये देखो कितनी धूल धूल लग रही है, बहुत तेज़ तूफ़ान आने की आशंका है मुझे लग रहा है। इधर आप पेड़ों को देख के अंदाज लगा सकते हो, देखिए। लेकिन यह है कि गर्मी से राहत मिल रही है। बाकी मैं सब्ज़ी की तैयारी तो करके आ गई हूँ, पूरा मसाला भी रेडी करके आ गई हूँ, करेला भी जो भी तैयारी करनी थी मतलब उसको हाफ बॉईल करके आ गई हूँ। बाकी मसाला भर के भी उसको तलना है, फिर बन जाएगा हमारा भरवा करेला। तो गाइस, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड भी कर देते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और खुश रहिएगा। बाकी अगर मैं डिनर के टाइम आपको मिलूँगी तो फिर बताऊँगी मतलब सब्ज़ी क्या कैसी बनी, मैं आपको रिव्यू जरूर दूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आज ट्राई कर रही हूँ करेला बन, मतलब कि ये भरवा करेला, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी वो भी, और ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना, ठीक है, एक चिड़िया बोलिए। अब चुप हो गई ऐसी वीडियो स्टार्ट करी तो। भरवा करेला की पूरी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।